हमारा सबसे बड़ा सपना ब्रजवासियों की सेवा करना और यमुना अग्रण हो, यमुना निर्मल हो, यमुना शुद्ध हो, जैसे यमुना पहले थी ऐसी ही यमुना हो। राज्य का चहुमुखी विकास हो, आने वाले यात्रियों को प्रदेशियों को ऐसा लगे कि हम वास्तव में हम यहाँ धर्म की नगरी में आए हैं, ये मेरा जीवन का एक लक्ष्य है। हम तो कन्हैया के भक्त हैं, नंदलाला के भक्त हैं, तो हम तो केवल कृष्ण के अलावा दूसरे किसी को जानते नहीं। मेरा नाम राजकुमार रावत है। मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय मूलचंद रावत है। मेरा जन्म मथुरा से अतनिकट मेरा पैतृक गांव लोहवन है, वहां मेरा जन्म हुआ, जनपद मथुरा। मेरी शिक्षा दीक्षा प्रारंभिक काल गांव में और उसके बाद यहां जमुना पार यहां इलाके में बैठे इसी के पास में एक प्राइमरी विद्यालय था जिसमें मेरे स्वयं के पिताजी भी टीचर थे, वहाँ मेरी प्रारंभिक शिक्षा कक्षा 1 से 5 तक हुई। उसके बाद कंस किले के पास एक स्कूल हुआ करता था, जूनियर हाई स्कूल, वहाँ 6, 7, 8 कक्षा 8 तक मैंने वहाँ कुशक जूनियर हाई स्कूल में शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद चंपा अग्रवाल इंटर कॉलेज एक प्रतिष्ठित विद्यालय हुआ करता था, आज भी है, प्रतिष्ठित है। उस चंपा अग्रवाल इंटर कॉलेज से मैंने 9th, 10th फर्स्ट ईयर और सेकेंडर 12वीं तक की शिक्षा वहाँ ग्रहण की। उसके बाद बीए में मैंने एजुकेशन किशोरी रमण महाविद्यालय में लिया और उसके बाद 1 साल वहाँ शिक्षा ग्रहण करने के बाद कुछ छात्र जीवन की कुछ अन्य कठिनाइयों आने के कारण फाइनल ईयर में एडमिशन हमें नहीं मिला। उस समय बीए 2 साल की हुआ करती थी, तो फिर मैं राजा बलवंत सिंह महाविद्यालय आगरा से मैंने बीए फाइनल की परीक्षा की और उसके बाद हम समाज सेवा, कुछ अपने व्यक्तिगत कामों से अपना व्यापार करने का काम किया और व्यापार करने के बाद हमने फिर जो है NSUI छात्र संगठन में हमने राजनीति की, मगर सक्रियता से राजनीति जो है हमने 95 से करने का काम किया। 23/12/95 को सर्वप्रथम मैं राया क्षेत्र का ब्लॉक प्रमुख बना। उसके बाद 97 या 98 में मथुरा एटा मैनपुरी स्थानीय निकाय MLC की सीट पर कांग्रेस की टिकट पर मैं चुनाव लड़ा, जिसमें मैं दूसरे नंबर पर रहा। उसके बाद जब दोबारा चुनाव 2002 में ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हुआ, ब्लॉक प्रमुख की सीट महिला हो जाने के कारण हमने अपनी पत्नी को श्रीमती विमलेश रावत को द्वारा निर्विरोध रूप से राया क्षेत्र का ब्लॉक प्रमुख बनवाने का काम किया। उसके उपरांत 2002 में हमने विधानसभा गोकुल, जो आज नाम बलदेव हो गया है, उस समय विधानसभा का गोकुल नाम हुआ करता था, विधानसभा क्षेत्र गोकुल से हमने 2002 में बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े। मुख्य मुकाबला हमारा राष्ट्रीय लोकदल से रहा और उसमें मैं 10,000 वोटों के अंतर से मैं हारा, मगर मैं अनवरत रूप से हम जनता के बीच में उनके सुख दर्द में सहभागिता करते हुए, उनकी कष्ट पीड़ा वेदना में सहभागिता करते हुए हमने जनता का काम किया, जनता के बीच में उनकी सहभागिता में सहयोग किया, उनकी कष्ट पीड़ा वेदना में हमने सहयोग किया। उस सब को देखते हुए जनता ने द्वारा और उसी सारी सब चीज़ों को देखते हुए बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी के द्वारा हमें पुनः हम पर विश्वास व्यक्त करते हुए हमें गोकुल विधानसभा का टिकट दिया और हमने उस समय 2007 में करीब 10,000 से अधिक मतों से हमने चुनाव जीतने का, गोकुल विधानसभा का चुनाव जीतने का काम किया और मैं विधायक बना प्रथम 2007 में। और आदरणीय मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी ने हमें गोवर्धन का प्रभारी बना करके फिर 2012 में हमें गोवर्धन का टिकट दिया
और गोवर्धन से फिर मैं करीब 22,000 से अधिक मतों से मैं गोवर्धन क्षेत्र से तो दोना दोबारा विधायक बना। यहाँ पर बहुत लंबे समय से मांग थी, 52 तहसील जो कभी मुगल शासन काल में हुआ करती थी, उसके बाद अंग्रेजी हुकूमत भी चली गई, देश आज़ाद हुआ, मगर उसके बाद भी 52 तहसील का निर्माण नहीं हुआ पाया था। तो उस लंबी मांग थी क्षेत्र की, सर्वप्रथम मैंने विधायक बनने के बाद 52 तहसील का स्वीकृति कराई और उसका शिलान्यास किया, उसका भव्य दिव्य भवन बनवाया। और उसके बाद 2011 में प्रदेश की मुखिया मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी को ला करके और अपने साथ रह करके उनके हाथों से उस तहसील का हमने उद्घाटन करवाने का काम किया। उसके बाद उसी दौरान यमुना जी पर बहुत लंबे समय से मांग थी, कंजौली घाट पुल जो आगरा बलदेव के क्षेत्र रंगता और उसको जोड़ता है, आगरा नेशनल हाईवे को जोड़ता है, और चुरमुरा घाट करीब 2 किलोमीटर की दूरी में 2 पुल हमने निर्माण कराने का काम किया, जो एक क्षेत्र के बहुत बड़े सर्वांगीण विकास का एक मुद्दा था और उस मुद्दे को हमने करा करके 2 पुल यमुना जी पर हमने बनवाने का काम किया। उसी दौरान 52 में एक साधारण चौकी थी, एक पुलिस का हॉल्ट हुआ करता था, उसको मैंने थाना निर्माण कराया, थाने का भवन का उद्घाटन किया, थाने भवन का शिलान्यास किया। ये कार्य करने के बाद फिर राया क्षेत्र में मांग थी, किसान की उपजों का सही मूल्य देने के लिए उन्हें मथुरा शहर में आना पड़ता था, राया में मंडी का फल और अनाज की मंडी बनवाने का निर्माण कार्य कराने का काम किया। इस गोकुल क्षेत्र राया और बलदेव मिलाकर के गोकुल कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है हमारी, इसमें तमाम बिजलीघर 4 या 5 उस समय मैंने बिजलीघर बनवाए, सोनई में बिजलीघर बनवाया, राया के बिजलीघर का उच्चीकृत कराया, पचावर में बिजलीघर बनवाया, ये लक्ष्मीनगर यमुना पार के बिजलीघर का उच्चीकरण कराया, बलदेव क्षेत्र के बिजली घर का उच्चीकरण कराया, एक मड़ोरा गांव में बिजली घर बनवाया, एक पचावर में बिजली घर बनवाया। और उसके बाद तमाम बिजली पानी की समस्या को देखते हुए करीब 25 गांव के लिए मैंने पेयजल व्यवस्था के लिए बड़ी पानी की टंकी गोकुल क्षेत्र के इन गांव के लिए बनवाने का हमने काम किया। बहुत लंबे समय से मांग थी, अड़िंग कस्बा जो पड़ता है एक ग्राम सभा, उस अड़िंग कस्बा में होकर के लोग अंदर होकर के सड़क जाती थी, बहुत छोटी सकड़ी सड़क थी, अक्सर करके मुड़ियापुनों के मेला और जब कभी कोई कार्यक्रम होता था तो लोग जाम में फंस देते, घंटों लोग फंसे रहते थे, बड़ी घटनाएं हो जाती थी, कोई बीमार आदमी की तो दमी निकल जाती थी या कोई प्रसव को मेला जा रही है तो वो बड़ी पीड़ित होती थी और अंततः बड़ी कठिनाइयाँ लोगों को झेलनी पड़ती थी। ये सारी सब चीज़ को देख करके जाम के झाम से बचने के लिए बहुत प्रतीक्षित मांग को मैंने अड़िंग बाईपास सरकार से ला करके स्वीकृत करा करके वहाँ अड़िंग का बाईपास का निर्माण कराया। हमारा प्रदेश और देश ही नहीं पूरे विदेशों तक हमारे मुड़िया पुनों के मेला की एक अहम भूमिका रहती है, अगर राज्य की सप्तकोशी परिक्रमा की, तो उस मुड़िया पुनों मेला को मैंने सरकारी मेला राजकीय मेला घोषित कराने का काम किया और गिरिराज्य के 7 कोस में अनवरत रूप से परिक्रमा चलती रही। इसके लिए मैंने पूरे सप्तकोशी में लाइट लगवाने का काम यहाँ पर करने का काम किया। गोवर्धन में भी हमने मंडी बनाने का काम किया और सौंख में जो पूर्व से पहले से मंडी थी उसका भी जीर्णोद्धार कराने का हमने काम किया। उसी के साथ करीब वहाँ की गोवर्धन क्षेत्र में खारे पानी की समस्या को देखते हुए करीब 40 गांव के लिए पेयजल योजना पानी की टंकी का निर्माण हमने कराने का काम किया। उन्हीं के साथ साथ हमने तमाम ऐसे जो कार्य किए, हमने सप्तकोशी परिक्रमा में जन सुविधा केंद्र, अच्छे क्वालिटी के जन सुविधा केंद्र जो के लोगों को लगे कि हाँ अच्छे सुविधा मिली, जन सुविधा केंद्र भी हमने बनवाने का काम किया और पूरी परिक्रमा को बढ़िया तरह से एक कच्ची परिक्रमा एक पक्की परिक्रमा के रूप में उनका भी निर्माण हमने कराने का काम किया। तमाम छायादार फलदार फूलदार ऐसे वृक्ष हमने लगवाने का काम किया जिससे कि जो हाँ कटीले कुछ मार्ग में कटीले वृक्ष थे, कांटेदार वृक्ष थे, उनको हटवा करके और वहाँ हमने छायादार फलदार फूलदार वृक्ष लगवाए, जिसका मैंने कई बार विधानसभा में मुझे क्वेश्चन उठाना पड़ा। आराध्य श्री यमुने महारानी कालिंद्री जो भगवान कृष्ण की पटरानी के रूप में हम लोग उन्हें मानते हैं, आज उनका जल इतना दूषित हो चुका है कि आचमन के लायक भी नहीं।
मैं आपसे आग्रह करता हूँ उन नालों को टेप करते हुए यमुना की सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाए। वर्ष 2011 में हमारे विधानसभा क्षेत्र में करीब 60 करोड़ रुपए की लागत से करीब 40 पेयजल योजनाएं स्वीकृत हुई थी और जो उनका निर्माण वर्ष 14 और 15 तक हुआ है। आज पूर्ण होने से पहले वो सारी टंकियां बंद हो चुकी हैं। करोड़ों रुपया खर्च हुआ है सरकार का और आज वो बंद होकर के जनता को उनका पानी नहीं मिल पा रहा है। इस ओर विशेष ध्यान देते हुए इस सब की जांच कराई जाए और वो पानी की टंकियां और पानी जनता को पेयजल मुहैया कराया जाए। मेरे आपसे अनुरोध है कि गोवर्धन के 7 कोस की परिक्रमा लगती है, सप्तकोसी परिक्रमा, उस सप्तकोसी परिक्रमा में विद्युतीकरण हुआ, लाइट लगी मगर अधिकांश लाइटें खराब पड़ी हुई हैं, उस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है और कुछ लाइटें अगर जलती भी है तो वहां पर बिजली नहीं पहुंच पाती है। इस सब के लिए हमने पहले भी आग्रह किया था कि गोवर्धन की परिक्रमा मार्ग के लिए अलग से एक सीधा फीडर बना करके एक विद्युत बिजली घर वहां स्थापित किया जाए। तो मेरी आपसे अनुरोध है, अधिष्ठाता महोदय, अलग से एक बिजली घर बनाते हुए परिक्रमा मार्ग को 24 घंटे बिजली वहां उपलब्ध कराई जाए, जिससे आने वाले देश विदेश के श्रद्धालुओं को, परिक्रमार्थियों को किसी प्रकार का कोई कष्ट पीड़ा न हो। और विधानसभा में मैंने जब ये बात रखी तो उसका सारे लोगों ने मेरे आग्रह को, मेरे अनुरोध को स्वीकार किया। आज भी जनता के बीच में हम उनके कष्ट पीड़ा वेदना में हम काम कर रहे हैं और आगे फिर जीदारी के साथ हमारा प्रगति का मार्ग आगे को प्रशस्त होगा निश्चित से। ऊपर हमें ईश्वर से कामना है, हमारी गिरिराज महाराज से हमारी ऐसी प्रार्थना है कि वो हमारी सभी बातों को, जो अधूरे कार्य हैं उनको पूरा करने के लिए, जनता की उम्मीदों को पूरा करने के लिए, जनता की जो हमसे अपेक्षाएं और आशाएं उनको पूरा करने के लिए हम निश्चित रूप से पुनः जनता के बीच में जाएंगे और जनता हमें स्वीकार करेगी और हमें अपना आशीर्वाद देगी। हम तो सुबह उठते हैं, ठाकुर जी के सबसे पहले दर्शन करते हैं, उसके बाद गुनगुना पानी पीते हैं, अखबार पढ़ते हैं और दैनिक क्रियाक्रम से निवृत्त होने के बाद नहाते धोते हैं, पूजा पाठ में लग जाते हैं, मंदिर पर शंकर जी को स्नान कराते हैं। फिर बाद 1 मिनट अपनी गायों के पास, 5 मिनट गायों को देखते हैं, फिर अपना पाठ पूजा पाठ करते हैं, खाना खाते हैं। उसके बाद क्षेत्र के 1 या 2 गांव या 4 गांव या कोर्ट या कचहरी या किसी अधिकारी के पास जाना है कि जनता की समस्याओं को लेकर के, वहां जाते हैं और जनता के सुख दुख में सहभागिता करते हैं। यही हमारी दिनचर्या है। नंद बाबा से जब भगवान कृष्ण की बात हुई तो बाबा ने कहा कि बाबा मैं तुम्हें एक वचन देता हूँ, ब्रजवासी बल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, मुझे तुम्हारी कसम है मैं इनको कभी भूलूंगा नहीं। ब्रजवासी बल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इनको ना है विसारियों मोए नंद बाबा की आन, मुझे तुम्हारी कसम है मैं इनको कभी भूलूंगा नहीं। और यह ब्रजवासियों ने उसको कभी भगवान नहीं माना, अपना सखा के रूप में माना है हमारे ब्रजवासियों ने। तो भगवान को 50 बार उन्होंने सारे की गारी दी है, अरे तू जा रहा ना सारे जा जाते आगे बढ़ जा। तो ऐसा जो भाव है, ऐसी मीठी बोली है, ऐसा मिठास है इस ब्रज की माटी में, ऐसा दूसरा कहीं, दूसरी जगह पे कहीं नहीं है। तो जब हमारे ठाकुर नहीं हमको कभी भूलता है तो हमारे तो ये प्राण है, ये ब्रजवासी हमारे प्राण है, हमारे परम आराध्य हैं। प्रत्येक ब्रजवासी में मैं अपने किसी पूर्वज की, अपने देवता की, अपने किसी परम आराध्य की छवि देखता हूँ और ब्रजवासी हमारे प्राण है। हमारे जीवन में बहुत चुनौती आई और बहुत तमाम दुनिया भर के उतार चढ़ाव हमने देखे, मगर हमें जब कभी कोई आई हम तो जमुना जी और गिरिराज जी से प्रार्थना करते हैं, चुनौतियाँ छूमंतर हो जाती, हमारे सामने कभी नहीं आई। हम तो स्ट्रगल उन्हीं से प्रार्थना करते हैं और वो ही हमारी चुनौतियों का सामना करते हैं, हम तो उन्हीं की शरण में रहते हैं। हमें कभी चुनौती कोई हमने कभी महसूस ही नहीं की, बस ठाकुर जी की शरण में रह करके उनकी आराधना और उनका सानिध्य, उनकी इतनी कृपा हमारे ऊपर है कि कभी कोई चुनौती आई और वो हमारा पहाड़ बन करके आई मगर वो राई बन करके चली गई।
मेरे माता पिता का जीवन में आज मैं यहाँ तक हूँ, मेरे पूर्वजों का। मेरे पिता स्वर्गीय अभी 3 वर्ष पहले ही स्वर्गवासी हुए हैं। स्वर्गीय पंडित मूलचंद जी रावत मेरे प्रातस्मरणीय पिताजी हैं, और माता मेरी श्रीमती शिवदेवी आज हैं। उनका बड़ा प्यार दुलार, बड़ा स्नेह मेरे सब ऊपर रहा है। मेरे गुरु, मेरे जो भी कुछ रहे इस यहाँ तक लाने के, मेरे पिताजी ही रहे। मेरे पिताजी का सबसे बड़ा मूल मंत्र रहा, अगर जो भी आप किसी को जवान दे दो, उस जवान को अपने को पूरी करना, किसी के साथ और छोटे लोगों पर, गरीब लोगों पर दया करना, उनको जो अपनी हो उनकी ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़कर के मदद करना, ये मेरे पिताजी का मूल मंत्र रहा। उसी बताए हुए उस मंत्र पर हम चल रहे हैं। उन्होंने एक ही बात हमको कहा कि लघुता में प्रभुता है, लघुता में प्रभुता है। छोटे बनो, बड़ा बनना है तो छोटे बनो। अगर छोटे बनोगे तो अपने आप बड़े बन जाओगे, तुम अपने आप से बड़ा प्रदर्शित करोगे तो नहीं बन पाओगे। एक ही मूल मंत्र था कि लघुता में प्रभुता है। मेरे पिताजी की बड़ी इच्छा थी कि मैं पिछली बार 2002 में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने मुझे टेलीफोन करके कहा था 2014 में कि आप पार्लियामेंट का चुनाव आप लड़े, मैं पार्लियामेंट की टिकट आपको दे रही हूँ। माहौल उस समय ऐसा चल रहा था कि कोई भी व्यक्ति, क्योंकि एनडीए मोदी जी का बड़ा चल रहा था, हवा चल रही थी, लोग देखते थे कि भाई ये कुछ करेंगे, मगर इन्होंने कुछ किया नहीं है, ऐसी हवा थी उस समय पर। तो मैंने देखा हवा का रुख भाग करके, तो मैंने आदरण बहन जी से कहा, मैंने कहा बहन जी मैं चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा और मैं जीत नहीं पाऊंगा, मैंने खुद मना किया था। तो मायावती जी नाराज भी हुई थी, तू ऐसा मत बोल, तू सोच समझ के मुझे 4 दिन में जवाब दे। तो मैंने ये बात पिताजी से कही अपने से कि मायावती जी की ऐसी इच्छा है कि मैं लोकसभा का पार्लियामेंट का चुनाव 2014 का लड़ूं। स्वयं उन्होंने मुझे आगे से टेलीफोन करके कहा है। तो पिताजी ने कहा, मेरी पिताजी की प्रबल इच्छा थी, हम भाइयों की सबकी, मगर पिताजी की प्रबल इच्छा थी कि चाहे तू मेरी जमीन बेच दे, अगर तुझ पे पैसा नहीं है तो मेरी जमीन बेच दे, मैं कल जमीन तू जितनी कहेगा बेच दूंगा, मगर तू चुनाव पार्लियामेंट का अगर मायावती जी कह रही हैं तो लग। ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि वो माहौल नहीं बन पाया था, हमारा मन नहीं करता था, क्योंकि आप भी देखते हैं कि बड़े उस समय नहीं था ऐसा माहौल। हमारे तो ईश्वरी है सब कुछ, हमारे तो गिरिराज जी, जमुना जी, हमारी युगल सरकार राधा माधव, हम उन्हीं के दास हैं, उन्हीं की प्रेरणा से यहाँ आनंद ले रहे हैं सब। और हमें तो भरोसा है कि हमारा जो जीवन है उन्हीं के प्रति संपूर्ण रूप से समर्पित है। आगे सपने बस यही हमारे हैं कि 2000 आने वाला जो 22 का चुनाव है, ब्रजवासी हमें आशीर्वाद दें, जो हमारे कुछ जनता के बीच में किए हुए अधूरे वादे हैं, जनता के जो कुछ अधूरे काम है, आज सरकार चल रही है वहाँ जो लोग हैं वो कोई कुछ कर नहीं पा रहे हैं, जनता के बीच में उनकी बात खत्म हो चुकी है, उनको जनता ने नकार दिया है। अभी 2 साल हुए मगर जनता ने उनको नकार दिया है, टोटली वो फेल है, कोई विकास कार्य नहीं हो रहा है, कोई कुछ नहीं हो रहा। तो हमें सिर्फ ब्रजभूमि के जो अधूरे कार्य हैं, ब्रजभूमि के लोगों से जो हमारा एक लगाव है, जो आज वो देख रहे हैं, उन सबको पूरा करने की हमारी इच्छा है। बाकी हमारा और कोई इच्छा नहीं कि जो अधूरे कार्य हमारे जो किए हुए बाद है उनको पूरा करें जनता के बीच में। मेरी नेता बहन कुमारी मायावती जी हैं, उनको ही, उन्हीं का आशीर्वाद हमें जब से मिला है, हमने उनके उसके बाद कभी दूसरा दरवाजा कभी देखा नहीं। मेरा मायावती जी से जब जब मैं मिला, उन्होंने, मायावती जी ने मेरी बात को बड़ी गंभीरता से लिया और मुझे कभी विधायक या न मान करके मुझे पार्टी का एक समर्पित कार्यकर्ता माना। लोगों ने कभी मेरी किसी ने बुराई भी करने का जाकर के उनसे काम किया, तो मेरी बुराई को भी उन्होंने कभी लोगों से कहा कि वो पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता है, वो विधायक पीछे है, उसे मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। आज कितने सवर्ण कास्ट के लोग पार्टी में आए और चले गए, मगर वो आज पार्टी में समर्पित कार्यकर्ता की तरह से पार्टी में कार्य करता है और कार्य कर रहा है, उसके बारे में मैं कोई बात नहीं सुनना चाहती, मैं सब कुछ जानती हूँ। उससे पहले जब मैं NUSI में था तो मेरे पिताजी इंदिरा जी की बात करते थे,
इस इंदिरा जी को देश ने आगे बढ़ाया और एक बहुत कुशल शासक थी, निर्भीक थी और उनके नेतृत्व में देश ने बहुत तरक्की करने का काम किया। इसलिए मेरी अगर कोई मायावती जी के बाद अगर कोई दूसरी बात मैं मानता हूँ तो मैं केवल इंदिरा गांधी को मानता हूँ। संगीत का तो हमें ब्रज के जो हमारे लोकगीत हैं, हमारे जो ब्रज की लोक कला है उनको हमको सुनने का और गुदगुदाने का अपने मन में या वो एहसास है। बाकी हमने छात्र जीवन में कभी कोई फिल्म देखी हो तो देखी हो, बाकी हमने अपने जब से 95 से हम सार्वजनिक जीवन में आए तब से हमने कभी कोई टीवी पे अगर कोई कहीं कोई आ रहा हो तो देख लिया हो, बाकी हमने कभी किसी पिक्चर हॉल में बैठ करके कभी हमने कभी कोई पिक्चर नहीं देखी। आजो बेरज में होरी रे रसिया, आजो बेरज में होरी रे रसिया, अरे होरी रे होरी रे मरजोरी रे रसिया, आजो बेरज में होरी रे रसिया, कौन के हाथ कनक पिचकारी, कौन के हाथ कनक पिचकारी, तो कौन के हाथ कमोरी रे रसिया, जो बिरज में होरी रे रसिया, जो बिरज में होरी रे रसिया, कृष्ण के हाथ कनक पिचकारी, कृष्ण के हाथ कनक पिचकारी, तो राधा के हाथ कमोरी रे रसिया, राधा के हाथ कमोरी रे रसिया, जो बिरज में होरी रे रसिया, होरी रे रसिया, होरी रे रसिया, बर जोरी रे रसिया, जो बिरज में होरी रे रसिया, जो बिरज में होरी रे रसिया। हमें अगर घूमने का हमारा शौक होता है तो केवल धार्मिक स्थलों पर जाने की हमारी इच्छा होती है। जैसे कि हमारी इच्छा हुई तो हम द्वारका में, क्योंकि हमारा भगवान आराध्य यहाँ से मथुरा से जब गए तो द्वारका गए, तो हम द्वारका देख करके आए कि द्वारका कहाँ है, कैसी है द्वारका, क्यों चला गया आवारा ठाकुर। तो हम द्वारका गए, द्वारका दर्शन करके आए, देख करके आए। उसके बाद हम बनारस गए, बाबा विश्वनाथ के दर्शन करके आए। उसके बाद हम हरिद्वार, हर बार जून की छुट्टियों में गर्मियों के दिनों में परिवार के साथ हम हरिद्वार ऋषिकेश जाते हैं, गंगा स्नान करते हैं, हम राजघाट गंगा स्नान करने जाते हैं। बाकी की और भी जो देवी स्थल है, जो धर्म स्थल है, वहाँ पे हम सब जगह जाने का काम करते हैं, प्रयास करते हैं और उनको नमन करते हैं। बाकी और किसी टूरिस्ट के हिसाब से किसी घूमने फिरने के काम में हम नहीं जाते। वहाँ जाते भी हैं तो वहाँ जाते हैं जहाँ हमारा प्राचीनतम कोई धर्म स्थल है। कोई चीज़ शौक नहीं, अगर कभी शौक अगर मन कभी हमारा बिछटा तो सीधे गिरिराज जी चले गए, गिरिराज जी की परिक्रमा लगाई, ठाकुर जी को साष्टांग प्रणाम किया, इसके अलावा कोई शौक नहीं रहा। मुझे ऊर्जा मिलती है दूसरे लोगों की मदद करने से। जो गरीब असहाय जो लोग होते हैं, वास्तव में जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं, उनकी मदद करने के बाद अगर हम प्यासे को पानी पिलाते हैं, अगर भूखे को कुछ खिलाते हैं या किसी ज़रूरतमंद की कछु समय पर मदद करते हैं, तो उससे मुझे निश्चित रूप से अपने मन में बड़ा संतोष होता है और उससे मुझे ऊर्जा मिलती है। मैं ठाकुर जी की जब शरण में पहुंच जाता हूं तो सारी ठाकुर जी की कृपा मेरे ऊपर होती है और मैं जब प्रणाम करता हूं तो मुझे निश्चित ऊर्जावान होकर के उठता हूं। सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरे परिवार का ही रहा, मेरे छह भाइयों का रहा, पांच मुझसे मैं मेरे समय तम छह भाई हैं, मेरी माता पिता पत्नी भाई पूरे परिवार का
मेरे साथ सपोर्ट रहा, इन्होंने हमें पूरी तरह से सपोर्ट किया, अपना सब कुछ लगा करके सब ने, मतलब जो अगर हमने हाँ की तो किसी ने उसमें कभी नेगेटिव बात नहीं की, पूरे परिवार ने, सारे भाइयों ने, माता पिता ने, पत्नी ने, सब ने उसमें हमारी हाँ में हाँ मिला करके हमें प्रोत्साहित करने का काम किया, आगे बढ़ने का काम किया, हमें सहयोग करने का काम किया। हम तो कोई टर्निंग नहीं रहा, हम तो शुरू से ऐसे ही रहे, मतलब जैसे शुरू से छात्र जीवन से भी हम ठाकुर जी की शरण में रहते थे और बस व्यापार किया और सीधे राजनीति में आ गए। ठाकुर जी की कृपा, हमारे पूर्वजों की कृपा, हमारे माता पिता का आशीर्वाद, हमारे परिवार की एकजुटता, हम सब परिवार भाइयों की एकजुटता इस राजनीतिक सफलता का मंत्र है। तो आज तक की तारीख में अपने युवाओं से ये कहूँगा कि कड़ी मेहनत और देश की जो स्थिति चल रही है उसमें रोजगार की बहुत सी समस्या है, मगर वो अपना लक्ष्य तय कर लें, जो भी चीज़ तय करें, एक काम को अगर करने, ये आज ये किया, कल वो किया, परसों तीसरा किया, ऐसा नहीं, उस काम को जिसको आप कर रहे हैं उसमें कुछ उतार चढ़ाव आएंगे। हम काम करते सफलता एकदम से नहीं मिलती है, जो बहुत से भाग्यशाली होते हैं, बिरले होते हैं कि उन्होंने आज शुरू किया और कल उन्हें सफलता मिल गई। सफलता मिलती है मगर कठिन परिश्रम और मेहनत से मिलती है, असफलताएँ आती हैं, और जब असफलताएँ आपके जीवन में आएंगी तो निश्चित रूप से मान लेना सफलता भी आपको आपके कदम चुभने का काम करेगी, मगर एक रास्ते पर चलें, रास्ते को भटके नहीं, रास्ते को आज हमने इस पे कल दूसरे पे, तो एक्सपेरिमेंट नहीं करें, जीवन जिस रास्ते पे आप चल पड़े हो उस पे ही उसी पे अपना भाग्य आजमाते हुए कठिन परिश्रम और मेहनत और लगन के साथ निष्ठा के साथ उस काम को करोगे तो निश्चित रूप से उसमें मंजिल हासिल होगी और आपको बेहतर आपको हासिल होने का काम होगा।